2024 को लेकर आज देखिए दिन भर लगातार सबसे पहले और सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर मेगा कवरेज, अब तक की सबसे बड़ी चुनावी कवरेज में आप सबका स्वागत। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। नई तकनीकी और वर्षों के अनुभव के साथ हम आपके लिए लेकर आए हैं लोकसभा चुनाव की महाकवरेज। हमने विधानसभा चुनाव के दौरान आधुनिक तकनीक के साथ हर मिनट की अपडेट भी आप तक पहुंचाई और अब हम फिर से नए नए अंदाज में नई नई विशेषताओं के साथ आपके लिए लेकर आए हैं लोकसभा चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग कुछ ही समय में शुरू होने वाली है, कुछ ही समय शेष बचे हुए हैं। 7 बजे से लोकतंत्र के महापर्व के लिए वोटिंग शुरू हो जाएगी। आज 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। इसमें राजस्थान की सबसे ज्यादा सीटों पर 12 सीटों पर मतदान होना है, जबकि उत्तर प्रदेश की 8, मध्य प्रदेश में 6, बिहार में 4, पश्चिम बंगाल में 3, असम और महाराष्ट्र में 5, मणिपुर में 2 और त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर और छत्तीसगढ़ में 1-1 सीट पर मतदान होगा। इसके अलावा तमिलनाडु की 39, मेघालय की 2, उत्तराखंड के 5, अरुणाचल प्रदेश में 2, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 1, मिजोरम में 1, नागालैंड में 1 और पुडुचेरी में 1, सिक्किम और लक्षद्वीप में 1-1 सीटों पर वोटिंग की जाएगी। तो सबसे बड़ी खबर के साथ आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हुए 2024 के महासंग्राम से जुड़ी ये सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, आज राजस्थान की 12 सीटों पर घमासान दिखाई देगा और जो वोटर्स हैं वो अपने कीमती मतों का प्रयोग करेंगे। न्यूज 18 राजस्थान आप सभी से अपील करता है, कुछ ही समय में वोटिंग की प्रक्रिया की शुरुआत होगी और सभी अपने घरों से बाहर निकले और अपने कीमती मतों का प्रयोग जरूर करें। 24 के संग्राम के लिए आज पहले चरण की वोटिंग होने वाली है, कुछ ही मिनटों में वोटिंग की शुरुआत होगी। तो सुबह 7 बजे से 12 सीटों पर मतदान किया जाना है। राजस्थान में शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर ग्राफिक्स के जरिए लगातार आपको दिखा रहे हैं कौन कौन से वो सीट जहां पर कांटे की टक्कर दिखाई देने वाली है। नागौर का सीट जहां पर ज्योति मिर्धा का सामना हनुमान बेनीवाल से होने वाला है, तो वही एक एक कर वो अलग अलग सीट 12 सीट आपको दिखा रहे हैं जहां पर आज मतदान किया जाना है। तो कुछ ही मिनट का वक्त रह गया है, सुबह 7 बजे से वोटिंग के प्रक्रिया की शुरुआत होगी। अभी सुबह के 6 बज चुके हैं, इस वक्त 1 घंटे का वक्त है, 1 घंटे में मतदान की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, 1 घंटे में वोट डाले जाएंगे और आप सभी वोट जरूर करिएगा। मतदान को लेकर खास तैयारियां की